हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसे हैं सब? बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने वाले हैं आज की क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस करने का सिलसिला। एंड आई होप कि आप लोगों ने पूरी शीट जो है कंप्लीट कर ली होगी। अब तक नहीं की है तो फटाफट कंप्लीट कीजिए उसको, ठीक है? अगला सवाल आपके सामने। प्रूव दैट 3x² माइनस 8xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड क्लोज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। खत्म हो गया। तो करिएगा आप अपना, हम अपना करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये जो भी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो इसमें तो ऐसे दो लाइंस आ ही जाएंगी, मेरे ख्याल से टूट जाएंगी, ठीक है ना? तो 3x² माइनस 9xy प्लस xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव अस 3x इंटू एक्स माइनस आई थिंक वाई, नो 3y और प्लस y इंटू एक्स माइनस 3y एंड दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 3y इंटू 3x प्लस y इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है ऐसा ही आएगा, 3x² माइनस 9xy प्लस xy 8xy माइनस 3y², ठीक है मेरे ख्याल से, और x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो अपन देख सकते हैं कि एक तो स्लोप क्या होगा भैया, 1/3 वाला ऐसा, और एक है y इक्वल टू माइनस 3x, मतलब ऐसा कुछ जाएगा क्या? और इनके बीच का अगर एंगल निकालोगे तो एंगल आपको दिख जाएगा टेन थीटा के मार्फत 2 times रूट अंडर h² तो h कितना हो जाएगा, 4 ना, 2hxy होता है, हाँ, तो 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 अपॉन ए प्लस बी। ओ, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है ए प्लस बी 0 है, तो इतना पता नहीं क्यों कैलकुलेट कर रहे थे अपन। 90 डिग्री ए प्लस बी, कॉफिशेंट ऑफ x² प्लस कॉफिशेंट ऑफ y² 0 तो बताया था ना, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो ए प्लस बी 0 तो परपेंडिकुलर हो गए, और एक एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो अब क्या प्रूव करना पड़ेगा, 90 हो गया, ये काम तो हो गया मेरा, चलो निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 3y रख दो, तो 3y रखते ही कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 3, तो y कितना हो जाएगा, 3/5, ओ नो, और x इक्वल टू 3y है तो मेरे ख्याल से 9/5। और ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ y इक्वल टू माइनस 3x रखेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा ना, ये देखो ध्यान से, माइनस 6x हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3x रख दो, माइनस कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो मत होना, माइनस 3/5 और कॉमा y इक्वल टू माइनस 3x 9/5 हो जाएगा लगता है, नहीं तो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² दिखा रहा है कि ये बराबर ही होगा, तो मेरे ख्याल से राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रूव दैट 3x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1 एनक्लोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड इट्स एरिया।
तो मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि ये तो वही वाला है शायद, 2 ± √3 वाला शायद। तो y इक्वल टू 2 + √3x एंड y इक्वल टू 2 − √3x, देख लो मेरे ख्याल से तो यही होता है शायद इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्स उसके ऐसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लें और एक लाइन आ गई x + y = 1। तो मुझे लग रहा है कि एक तो 15 डिग्री पे और एक 75 डिग्री पे, तो 60 डिग्री तो हो ही गया। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई और एक हो गया x + y = 1। तो x + y = 1 अपन ऐसा बना देते हैं, नहीं तो ये तो 60 डिग्री हो ही गया और x + y = 1 तो ये निकल जाएगा ना यार। देख के तो और 15 डिग्री पे और वो 75 डिग्री पे, तो y = 1 − x रख दो, तो 1 − x रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 − √3 × x। x इधर ले जाओगे तो 1 = क्या हो जाएगा बोलो, हमें निकालना क्या है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, एरिया तो निकल जाएगा ना यार, p² / √3 बतलाया था शायद। अगर हम लोगों से प्रूव करना है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमने ये 60 डिग्री तो प्रूव कर ही दिया। हाँ हो गया है, तो आप बेकार में हम लोग पॉइंट वॉइंट सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 15 डिग्री है और ये बच्चों मेरे ख्याल से ये 45 होता है, सोचो तो ये हो जाएगा आपका 45 15 60, तो ये वाला एंगल हो गया 60 और ये 60 ऑलरेडी है, ये भी 60 हो गया, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव हो गया। समझ में आया ना, बिना पॉइंट निकाले ट्रायंगल के से इक्विलेटरल प्रूव कर दिया अपन ने। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x + y = 1 वाली जो लाइन है इसका ये 135 होगा, तो ये 45, ये 15, एक्सटीरियर एंगल वाले सम से ये 60 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 60 है तो बचा हुआ भी 60 हो गया, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल। और एरिया निकालना है तो जहाँ तक मुझे याद है p² / √3 ऐसा ही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जहाँ p² क्या होता है, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस लाइन की, तो 0 0 से इसका परपेंडिकुलर लेंथ 1/√2, तो मुझे लग रहा है कि 1/√3 हो गया शायद, शायद चेक कर लीजिएगा। अब कोई पूछ सकता है कैसे, तो बताया गया है ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा कि उसके टर्म में कैसे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। हर बार पूछने से नहीं आएगा, बहुत सारे लोग क्या होता है कि समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और उससे जो भी गोताखोर होते हैं जो कूदते हैं उसमें, उनसे पूछते रहते हैं भाई क्या है अंदर, क्या है अंदर, बस पूछ पूछ के अगर उसको लगता है कि समुद्र के अंदर का एहसास ले लेंगे या समुद्र के अंदर की चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है ठीक है ना। जो कूदेंगे अंदर उन्हीं को पता चलेगा, तो मेक श्योर कि आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बाकी आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इफ द लाइन इज जॉइनिंग, ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द लाइन जॉइनिंग द ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the x² + y² + x − 2y − m = 0 and x + y = 1 are at right angles। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, करी फाइंड आउट कीजिए। तो फिर से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा आप। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कोनिक में आएंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चे जो एक बार नहीं करते हैं, दो बार नहीं करते हैं, वो उससे पूछते रहते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पूछते ही रहते हैं, क्या करा जाए, उनका कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी जो सीखने वाले हैं वो बच्चे आ जाएँ और जो पूछने वाले वो भी आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व है, मुझे पता नहीं कि कौन सा कर्व है, बट कोई कर्व होगा मान लीजिए, और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू वन, और इसको जब इससे ज्वाइन कर रहा है ऐसा कुछ बतला रहा है, और इसको इससे ज्वाइन कर रहा है, नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो ये एंगल शायद क्या बोल रहे हैं ये लोग, 90 डिग्री है सवाल वाले, ये 90 बोल रहे हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल है, ये फिर से मुझे होमोजेनाइजेशन की फील दिला रहा है कि एक कर्व एक लाइन, ऐसे बार बार क्वेश्चन आएंगे। बहुत बच्चे इतना सिंपल होने के बाद भी बार बार ही वो बेचारे फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार फंसना अपने आप में इम्प्लाई करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकता हूँ मैं, तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, निकाल सकते हैं कैसे, होमोजेनाइज करके। तो बतलाया था कि कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो बस हो गया ख़त्म, बस दो डिग्री के टर्म्स बनाने हैं। तो यहाँ जैसे x माइनस टू वाई आ गया, तो एक एक डिग्री दोनों की बढ़ानी है तो एक साथ ही बढ़ा देते हैं, और इसकी दो डिग्री बढ़ानी है तो m इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये करते ही क्या बताया था मैंने, क्या आ जाता है बोलो, अब बार बार रिवाइज करोगे, बार बार सोचोगे तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी, नहीं तो और अच्छी होती जाएंगी। ये देखते ही क्या फील आया कि ये हो गया, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन बनाई थी ना अपन ने, ये पेयर ऑफ लाइन्स होगी। अब अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है और ये पेयर ऑफ लाइंस 90 पे हैं, तो क्या बताया गया है कि पेयर ऑफ लाइंस 90 पे हैं तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन एंड वन टू, इधर देखना वन एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, और इधर कितना माइनस टू, और इधर आएगा माइनस एम और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। अब ये मधु ने सर कैसे लिख दिया बेटा, तुम खुद से भी कर सकते हो, विश्वास करो मेरी बात होगा। तो ये टू कैंसिल आउट हो गया और m की वैल्यू मेरे ख्याल से हाफ आ गई। ये स्टेप क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को सम करके ज़ीरो किया गया, ये ऑलरेडी क्लास में बतलाया मैंने। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं एक बार। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 0 टू इंटरसेक्ट द कर्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x-10y प्लस 1 इक्वल टू 0 सच दैट द इंटरसेप्ट्स मेड बाय इट ऑन द कर्व subtends a right angle at the origin find L। और फिर से उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है अलग लैंग्वेज से, ठीक है ना, बच्चे बस कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम बहुत सारे नहीं होते, बहुत सारों को पता होता है कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, सर ने बताया हुआ है कि भाई ऐसी चीज़ आए तो ऐसा करना है। बहुत सारे वो बस देख के बोलेंगे यार पता नहीं क्या पूछ देते हैं ये लोग, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ।
तो हालांकि तो ये सर्कल टाइप की चीज दिख रही है, खैर उससे मैं क्या लेने देना। हालांकि ये कर्व एक सर्कल है, ठीक है ना, और अभी पढ़ेंगे भी। लेकिन आप तो ऐसे ही मान लो कि कोई कर्व है, रैंडम कर्व ले लिया, और कोई लाइन है जो 1,0 से पास कर रहा है, ठीक है, कोई भी कर्व ले लिया अपन ने, और कोई भी लाइन है जो 1,0 से पास कर रही है, मान लो 1,0 है, और अभी तो ठीक है नहीं पता है कर्व, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पता भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है, सही है ना। ये ऐसा कोई कर्व है और ये 90 दिया हुआ है, और बोला क्या है कि असर द इंटरसेप्ट मेड बाई, मतलब ये जो पोर्शन है इंटरसेप्ट मेड बाई द कर्व ऑन द लाइन, यही तो हुआ ना पोर्शन, इंटरसेप्ट मेड बाई द कर्व ऑन द लाइन, ये पोर्शन हुआ, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे। तो फिर से वही चीज़ कह रहा है बट अलग तरीके से कह रहा है, नहीं इंटरसेप्ट वर्ड बोल के और इस तरीके से वर्ड बोल के, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करना है, वैसे तो आपको कर लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y माइनस 0 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1, सो दिस इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस m, सो आई विल राइट दिस इज एम एक्स माइनस y अपॉन m इक्वल टू 1, वही जो मैंने बतलाया था कि 1 करके निकाल लेंगे, और फिर से वहीं पहुंच जाएंगे होमोजेनाइजेशन पे, और होमोजेनाइजेशन में पहुंचने के बाद फिर से कहाँ पहुंचेंगे, बोलो बोलो, हलो ले, फिर से वहीं पहुंचेंगे कहाँ पे, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स माइनस वाई अपॉन एम का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमें तो नहीं पच रहा है डायरेक्ट, तो आप एक एक करके निकाल के लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 हो गया इधर, तो इधर तो आएगा मेरे ख्याल से 6 एम अपॉन एम, तो मेरे ख्याल 6 ही आ जाएगा, और तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन एम लग रहा है, देख लो एक बार, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा इधर देखते हैं फिर, इधर तो ऊपर भी एम स्क्वायर तो ये 1 ही हो जाएगा, और प्लस 1 बाई एम स्क्वायर आई थिंक लाइक दिस, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, तो 6 2 8 एक 9 भी हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है 9 m² हो रहा है प्लस 10 m प्लस 1, ये टूट तो जाएगा ही 9 m और m में, तो m की वैल्यू मुझे लग रहा है एक तो -1 आ रही है, एक -1/9 आ रही है, देख लीजिए, तो दोनों ही स्लोप यूज कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और है जो इसमें हम लोग को देख लेना चाहिए, लाइंस इन डिटरमिनेंट फॉर्म, सब तरह की चीजें देख ली हैं, अब बस एक लास्ट है लाइंस इन डिटरमिनेंट फॉर्म। हालांकि कुछ खास नहीं है, बच्चे टैकल कर लेते हैं, बट फिर भी मैं बतला देता हूँ, लाइंस इन डिटरमिनेंट फॉर्म या लाइंस इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो ले लें क्या कि जैसे कोई एक लाइन है जो पास कर रहा है, सपोज कर लो एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू से, देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं एच कॉमा के, जिसको फाइनली हम एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करते हैं, नहीं तो मुझे अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो साफ साफ दिख रहा है ना, तीनों के से एरिया क्या कर देंगे, जीरो, हाफ जो बाहर आएगा वो राइट हैंड साइड जाके अपने आप जीरो हो जाएगा, तो हाउ कैन आई राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू वाई टू वन, मतलब दो पॉइंट्स अगर आपको उस लाइन पे दिख रहे हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म वाली लाइन, समझ में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे ख्याल से क्लियर है, इन डिटरमिनेंट फॉर्म पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे चाहे हो तो इंग्लिश में थोड़ा लिख लेना ये जो मैंने बोला है, क्या लिख लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया, सपोज कीजिए वही तीन साइड वाला,
ठीक है, और ये पॉइंट हम बोल रहे हैं कि ए है एक्स वन वाई वन, बी है एक्स टू वाई टू और सी है एक्स थ्री वाई थ्री। ये पॉइंट्स हमें पता है, दिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हो तो अब देख लीजिए, ठीक है। और अब कोई कहता है कि देयर इज़ अ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन बतलाओ या इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बतलाओ, ठीक है ना, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ मीडियन बतलाओ, तो डी पॉइंट क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी कोई बोलता है बतलाओ, तो मैं क्या कहूँगा साहब कि जो डी पॉइंट है वो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, सॉरी एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, यही बोलेंगे सोचो। तो ए डी लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है, मीडियन है जहाँ पे ये, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे किस तरह से आएगा, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू एंड वन, एक्स पता नहीं कहाँ चला गया, इक्वल टू जीरो। तो इसको जब आप फाइनली लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन और एक्स टू प्लस एक्स थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री और टू को लिख सकते हैं वन प्लस वन, और इस लास्ट वाले को आप दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब फाइनली आप क्या लिख सकते हो उसको, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू वाई टू वन प्लस एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन इक्वल टू जीरो। समझा ना, इसको स्प्लिट कर दिया तीसरे वाले का, बतलाया डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा बच्चों। अभी दिख रहा है ना कि वन इज टू वन है, तो आपको फील आया होगा, पता नहीं आपको आया होगा नहीं आया होगा, मैं बतला रहा हूँ, वन इज टू वन है तो आपको फील आना चाहिए कि एक्स वाई वन तो था ही, फिर एक्स वन वाई वन वन दोनों में रहेगा, और फिर वन इज टू वन है तो एक्स थ्री वाई थ्री वन एंड एक्स टू वाई टू वन। समझ में आ गया, जैसे मैं इसमें ऐसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि रेशियो एम इज टू एन होता, एम इज टू एन होता तो हम अल्टीमेटली कैसे लिखते हैं, आप समझना, बार बार m और n चेंज होगा अभी बार बार। जैसे मैं अभी एंगल बाइसेक्टर लिखूंगा, जैसे एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, ठीक है, और m इज टू n पे ये पॉइंट जो d है ये कितना आएगा, एम एक्स थ्री प्लस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन, फिर क्या आएगा, एम वाई थ्री प्लस एन वाई टू अपॉन एम प्लस एन एंड दिस इज वन, देख लीजिए। और जब इसको आप लिखने की कोशिश, दिस इज इक्वल टू जीरो, और जब आप इसको लिखने की कोशिश करेगा एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करके, तो अल्टीमेटली ऐसा आएगा एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन और लास्ट में से एम एक्स थ्री प्लस एन एक्स टू, एम वाई थ्री प्लस एन वाई टू एंड एम प्लस एन, ये डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अब आप जब इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो आपको खुद को ही फील आ जाना चाहिए कि हो रहा है क्या, कि दिस विल बी लाइक एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, और यहाँ वन आ जाए, एम आ जाएगा बाहर, और प्लस एन टाइम्स एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू वाई टू वन। जैसे ही ये मीडियन था तो एम इज टू एन, वन इज टू वन हो गया तो काम खत्म हो गया, नहीं तो मीडियन के लिए तो हम एम इज टू एन को क्या रख देंगे, वन इज टू वन मीडियन के लिए हो गया, ठीक है। कोई बोले एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना चाहिए सर, बतलाओ, खुद ही बतलाओ, बतलाया हुआ है वैसे बचपन से ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बट ठीक है, अब कुछ बच्चों का रह जाता है बचपन तो गाना गाते हैं, गिव मी सम सनशाइन, देखना ध्यान से। तो हम लोग क्या कि अगर इस रेशियो की बात करेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, नहीं बी डी अपॉन डी सी क्या हो गया, एम इज टू एन,
और ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया आपका, सी अपॉन बी, यही तो हो गया। तो यानी इस केस में हम लोग यहाँ पे एम की जगह सी और एन की जगह क्या रख देंगे, बी, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। कोई बोले ऑल्टीट्यूड सर, तो ऑल्टीट्यूड अगर ये हो गया यहाँ पे 90 हो गया, सोचना अभी ये 90 दिख नहीं रहा होगा बट ये मान लो 90 है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोजेक्शन आएगा इस वाले का, ये अगर सी लेंथ है तो सी का ये वाला प्रोजेक्शन आएगा, मतलब सी कॉस बी और अपॉन इधर से क्या जाएगा, अगर ये बी है और ये 90 डिग्री है ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये सी है तो बी कॉस सी, यही होगा एम एस टू एम। या तो आप यही रख दीजिए, आप तो यही रख दीजिए, या फिर आप सी को लिख सकते हैं 2R साइन सी और इसको 2R साइन बी, सुनना 2R साइन सी 2R साइन बी, तो 2R कट जाएगा और साइन सी और अपॉन कॉस सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है कि 2R साइन सी 2R साइन बी, तो 2R कट जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी, किसी को नहीं समझ में आया पेन चला लेना बेटा, टेन सी, और यहाँ साइन बी और ऊपर कॉस बी तो नीचे ले जाके लिखेंगे तो टेन बी। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ऑल्टीट्यूड है भाई साहब तो ये हो जाएगा टेन सी इज टू टेन बी। तो ऐसे मीडियन आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा और जो भी है आपका ये सब आ जाएगा। इसमें एक लास्ट चीज बता दीजिए आप ही को दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है ए के थ्रू और दिस इज पैरेलल टू बी सी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि स्लोप उठा के लिख दिया सर, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, बतलाइए। खुद से बनाइएगा, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इसके पैरेलल है साहब, तो इसके पैरेलल एक लाइन इधर बना दीजिए। तो जैसे ही आप इसके पैरेलल ये लाइन बनाइएगा, ये कब को पैरेललोग्राम की फील देगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पैरेलल था और मैंने इसके पैरेलल बनाया। और पैरेललोग्राम की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दोस्त। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं ए और सी को देखते हुए, तो मैं बोलूंगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन टू। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये मिड पॉइंट कैसे हो गया, ये वो। पैरेललोग्राम का सोचना बेटा कभी टाइम निकाल के, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बहुत सोचना। और ये पॉइंट है बच्चों एक्स टू वाई टू, तो अगर मैं इसको अल्फा बीटा सोचूं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास तो ये आ जाएगा ना कि इधर से तो ये आ गया, लेकिन जब अल्फा और एक्स टू के हिसाब सोचूंगा तो अल्फा प्लस एक्स टू अपॉन टू इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, यही तो आएगा। यानी अल्फा अगर ये आ गया एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू, तो बीटा इसी तरीके से क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू। बोलिए, आती है बात समझ में? तो यानी अगर आपको दो पॉइंट्स पता चल गए तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो लाइन लिखने बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, एक्स वाई वन था, फिर क्या था, एक्स वन वाई वन वन, और फिर जो दूसरा अल्फा बीटा वन लिखेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू, और फिर वन, और वन को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस वन माइनस वन। अब ये देख रहे हो तीन डिटर्मिनेंट सिलेक्ट होगा, जो पहला डिटर्मिनेंट होगा वो अपने आप जीरो हो गया, देखना एक्स वन वाई वन वन एक्स वन वाई वन वन, यानी अब बचेगा क्या, एक्स वन वाई वन वन और एक्स थ्री वाई थ्री वन माइनस एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन और एक्स टू वाई टू वन, सब में माइनस माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, लाइन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो यहाँ अपना जो पूरा स्ट्रेट लाइन है, दिस फिनिशेस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। तो अब आप पूरी शीट में जो भी है सारी चीज़ें करके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतला ही देता हूँ, ठीक है ना, वो हो सकता हो क्वेश्चन का पार्ट हो, तो हो सकता हो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न उसमें आप लोग को लगे, जैसे कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं, हालांकि ये बतलाया हुआ है मेरा ऑप्टिक्स वाले पार्ट में, ठीक है ना, बट फिर भी ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं। जैसे कोई एक पॉइंट है आपका ए,
और एक कोई पॉइंट है बी, मतलब जैसे मान लो कुछ भी है, ठीक है ना। तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बाकी इस तरह के सवाल आते रहते हैं। और इस पॉइंट को सी, तो ये एक लाइन दे दिया रहता है, फिक्स दे दिया रहता है, और सी के ऊपर एक पॉइंट नचा दिया जाता है, ये दोनों फिक्स्ड हैं। अब पता नहीं कितने बच्चों को आएगा समझ नहीं आएगा, वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी जब प्रॉब्लम्स आए इस तरह का, तो ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा सोचिएगा, बाकी सॉल्यूशन तो दिया ही रहता है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे बहुत बार होता है ना कि ए सी प्लस बी सी को मिनिमाइज़ करने के लिए आता है। जैसे मान लो कि ये कुछ होगा 1.2 है, ये मान लीजिए 3.5 है, ये कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस, पकड़ लेते हैं अभी, ठीक है। आता है कि ए सी प्लस बी सी को मिनिमम होना है, ठीक है ना। ए सी प्लस बी सी को क्या होना है, मिनिमम होना है, ठीक है। और सी एक्स एक्सिस पे ही घूम रहा है, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बतला दो, सी के कोऑर्डिनेट्स बतला दो, ऐसा कुछ सवाल आ जाता है बहुत बार। तो हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ए या बी किसी एक को रिफ्लेक्ट करा लीजिए इसमें। अभी मैंने इजीएस्ट केस लिया है, करना हर बार यही है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए डैश कह दिया, सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो कुछ खास नहीं, 1.-2 हो जाएगा। और आप पहले फील लीजिएगा, जो ए सी होगा और जो ए डैश सी होगा ये इक्वल लेंथ का होगा, क्योंकि अगर आपने इसको रिफ्लेक्ट किया है तो ये दोनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, और ये चीज़ कॉमन है दोस्त। तो ये वाला बराबर ही होगा, क्योंकि कॉन्कोरेंट ट्रायंगल हो गए ये दोनों, नहीं। तो यानी हम लोग बोले ए सी प्लस बी सी को मिनिमाइज़ करने के लिए जगह मैं ए डैश सी प्लस बी सी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, तो क्योंकि वन एंड द सेम थिंग ना, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए डैश सी हो गया, समझ में आ रही बात। तो अब क्या है, सी वेरिएबल पॉइंट है, अभी सी के बारे में मुझे नहीं पता है। तो मैंने बोला ए डैश सी और प्लस बी सी मिनिमाइज़ करना, और ये लास्ट वाले जो दो पॉइंट से फिक्स हैं। तो अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स फिक्स हैं और सी इसके ऊपर कहीं है, मान लीजिए सी यहाँ है, और कोई बोले कि ए डैश सी प्लस बी डैश सी को मिनिमाइज़ करना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी कि आप ए डैश से बी जो है स्ट्रेट लाइन पे जाइए, और ये जहाँ पे काटेगा वही मिनिमम होगा। फिर से बोल देता हूँ, हमें ए डैश सी प्लस बी सी को मिनिमाइज़ करना है, और सी इज़ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जरूरी नहीं एक्स एक्सिस पे हो, दैट कैन बी एनी लाइन, फंडा हमेशा यही रहेगा। अगर ए डैश और बी जो है दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं और सी इधर वेरिएबल है, तो कौन सा डिस्टेंस मिनिमम होगा ए डैश सी प्लस बी सी के लिए, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ए डैश सी बी के बीच में, समझ में आ रहे हैं। और वहाँ से आप ये चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी करना क्या, अगर सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसकी लाइन की इक्वेशन लिख कर वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर देना, यानी वाई माइनस फाइव एंड इधर एक्स माइनस थ्री लिख लो, और पाँच में से दो गया सात और तीन में से गया दो, सही है क्या। और इसमें y को ज़ीरो कर दो, अपने आप x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। कभी पूछे कि इसका लेंथ क्या होगा, मतलब ए सी प्लस बी सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, फिर तो c निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है क्या, नहीं पड़ेगी, समझ में आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ आ जाती है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए सी माइनस बी सी, मतलब ये जो ए सी होगा, डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से अपन बना देते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मान लीजिए ऐसा है और ए वही मान लो 1.2 है फॉर द टाइमिंग। मैं तो जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ, बट किसी को लग रहा है नहीं से इसी मज़ा आ रहा है तो इसी से मज़ा ले लो, और सी इधर किसी लाइन पे घूम रहा है, अभी एक्स एक्सिस ही मान लिया अपन ने, तो कुछ नहीं करना है। आपको भी पता है कि मॉड्यूलस का लोएस्ट, अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मॉड्यूलस का लोएस्ट है, मतलब मॉड्यूलस गिरता भी है ना तो उसका एक लिमिट है, सबका नहीं होता हालांकि, ठीक है ना। तो इसका भी एक लोएस्ट होगा, हम लोग बोलेंगे कि लोएस्ट क्या हो जाएगा इसका, जीरो, इससे नीचे तो गिर ही नहीं सकता, नहीं सबका नहीं होता। तो ले लेंगे हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लें जिसके लिए ये दोनों जो डिस्टेंसेज हैं ये बराबर हो जाए, हो जाएगा लोएस्ट, बोलो सही बात, समझ में आ रही है मेरी, कि हम लोग बोले ऐसा सी इस एक्स एक्सिस पे ढूंढ लीजिए, इस लाइन पे ढूंढ लीजिए, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस नहीं है तो हम लोग ऐसा सी आप ढूंढ लीजिए सच दैट कि ये जो दोनों डिस्टेंसेज हैं ये बराबर हो जाए, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप की चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कैसे निकाल दें, अरे मान लो ना बेटा अल्फा कॉमा जीरो और यहाँ से इसका डिस्टेंस लिख लो,
आता है ना डिस्टेंस फार्मूला, तो आता ही होगा, इतना तो कर ही लिया होगा एहसान दुनिया पे। और इधर से भी आपने अल्फ़ा कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालना है, और दोनों को बराबर करके सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की। तो एक तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, ठीक है ना। एक इसी में आता है मैक्सिमम वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एसी माइनस बीसी। इसका मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए आता है, समझ में आएगा। सी इज अगेन एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, सपोजिटली अभी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है हमेशा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट हर बार यही लगना है, ठीक है ना। तो अब देखना, ये सी पॉइंट वेरिएबल है और ये ट्रायंगल है एबीसी, समझ में आएगा। तो मेरा क्या मानना है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एसी माइनस बीसी होगा, हाँ, हम लोग लेंगे जो डिफरेंस ऑफ टू या थर्ड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। लेकिन जब ट्रायंगल बनता है तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है दोस्त, ये तो आपको पता होगा, जब ट्रायंगल बनता है तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। तो मैंने यहाँ जानबूझ के इक्वालिटी होल्ड कराई है, यानी कि इस केस में मैं ट्रायंगल नहीं बनाने वाला हूँ। फिर से सुनना, ये कैसे लिखा, थर्ड साइड ट्रायंगल में पता है आपको ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो वही मैंने लिखा कि ए बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए सी माइनस बी सी। तो हमें मॉडुलस ऑफ ए सी माइनस बी सी का मैक्सिमम निकालना था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ए बी फिक्स्ड है, क्योंकि ए बी फिक्स्ड है, देखो यहाँ पे ए और बी फिक्स्ड है, तो ए बी फिक्स है तो इसका मैक्सिमम तो ए बी ही जा सकता है या ए बी अप्रोच कर सकता है, मैं बोल सकता हूँ इक्वल भी हो सकता है। उस केस में बस क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल नहीं बनेगा, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा ये कारनामा, तो हम लोग बोलने क्या कि जैसे इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए, कभी कभी हो सकता है फॉरवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइन। तो हम लोगों ने क्या किया कि भैया इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया ऐसे लाइक दिस, और इधर से इसको ज्वाइन कर लिया, इधर से इसको ज्वाइन कर लिया, और ये पॉइंट हमने सी कह दिया। तो अब आप देखो ए सी माइनस बी सी का जो मॉड होगा इस केस में, समझ में आ रहा है कि ये आगे बढ़ा के मैंने इसको कटा दिया, तो ए सी माइनस बी सी का जो मॉड होगा, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। और इस केस में देख सकते हो आप ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, दे विल बी ऑन स्ट्रेट लाइन, तो दिस विल बी द मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा इस केस में इसका, ए बी, मतलब यही डिस्टेंस आ जाएगा, समझ में आ गया। तो मैंने ए सी माइनस बी सी का मिनिमम कैसे निकाले वो भी बता दिया, ए सी माइनस बी सी के मॉड का मैक्सिमम कैसे बता दिया, और ए सी प्लस बी सी का, तो यही वेरिएशंस आते हैं जनरली। कुछ थोड़े बहुत और भी आएंगे तो थोड़ा हल्का फुल्का और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आज स्ट्रेट लाइन अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब आप सारी चीज़ें करने के योग्य हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हम लोग सर्कल चालू करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना धन्यवाद, अपने अपने मतलब समझना, पढ़ाई को ध्यान से चलते रखिएगा।